आपके साथ अपना मध्य और आप देख रहे हैं डिफरेंट रिपोर्ट खबरें फटाफट से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कसिया के गांधी चौक पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए लॉकडाउन का मजाक उड़ाने वालों का किया चारा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डीएम और एसपी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेहूं क्रय केंद्रों तथा सस्ते गए राशन की दुकानों का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस अधीक्षक ने थाना महिला थाना एवं कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। इसके दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना कार्यालय का निरीक्षण किया जहां कार्यालय में उपस्थित पुलिसकर्मियों से अभिलेखों के संबंध में पूछताछ करते हुए उनके रख रखाव हेतु दिया उचित दिशा निर्देश। बिहार के बगहा में विश्व तम्बाकू दिवस के अवसर पर गोष्ठी का किया गया आयोजन, तम्बाकू का सेवन नहीं करने का डॉक्टर और नर्सों ने लिया शपथ। बगहा में पटकौली ओपी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मनु यादव और गुंजन यादव को नरेपुर से 11 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर भेजा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में याद के प्रकोप से आए भीषण बारिश से खोला विकास का पोल, बारिश के पानी को सड़क से लोगों ने उधर कर फेंका। कोरोना वैश्विक महामारी से इन दिनों लगभग सारा विश्व जंग लड़ रहा है, तो वही कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए तरह तरह के खोज व रिसर्च किए जा रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से मुक्ति पाई जा सके। वही बगहा में ग्रामीण महिलाएं भी आस्था और विश्वास से इस पर काबू पाने के लिए पूजा अर्चना में लग गई ताकि किसी भी बहाने कोरोना से मुक्ति मिले। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जिला प्रशासन और पुलिस तथा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध 48 घंटों में कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 90 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 357 लीटर अवैध शराब बरामद कर व लगभग 362 क्विंटल लहन व 8 रस्सी भट्टियों को नष्ट करते हुए किया 90 अभियोग पंजीकृत। बिहार के बगहा में सेवाही संगठन एक कार्यक्रम के द्वारा राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने वाल्मीकि नगर विधानसभा के विभिन्न जगहों नारंगिया लक्ष्मीपुर रघपुरवा भेड़ी में मास्क एवं सैनिटाइजर का किया वितरण। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने बिना मास्क वालों को चालान कर रही है, दूसरी तरफ सुवेरस्थान मोड पर खुद बिना मास्क के लोगों की भीड़ में जकड़ी। बगहा में शिक्षिका ने कोरोना का टीका ले आम लोगों से टीका लगाने का किया अपील तथा केंद्र और राज्य सरकार को दिया धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डीएम ने किया जेई व एएस बीमारी को लेकर अधिकारियों के साथ किया गूगल मीट। जेई एएस से एक्टर जनित संचारित रोगों के प्रभावी नियंत्रण हेतु अभी से कार्य योजना बनाकर तत्परता के साथ उस पर कार्य किए जाने का जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दिया आवश्यक निर्देश। बिहार के बेतिया में कोरोना से जंग वैक्सीन के संग टीकाकरण अभियान को बनाए बड़ा जन अभियान के लिए जिलाधिकारी ने किया अपील। शहरी क्षेत्रों में भी मोबाइल वैक्सीनेशन बैंक की हुई शुरुआत। जिलाधिकारी ने टीकाकरण कार्य का किया निरीक्षण, लोगों ने उत्साहित होकर कराया टीकाकरण और महिलाओं ने कहा शहरी क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा है, अन्य लोगों को भी टीका लेने हेतु करेंगे जागरूक। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अवैध शराब के विरुद्ध जनपद में जारी विशेष अभियान के तहत पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण, स्टॉक की चेकिंग सहित अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई। बिहार के बेतिया में कोविड-19 टीकाकरण नहीं कराने वाले गांव में भ्रमण कर टीका लेने घुसिया गया जागरूक। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रामपुरा पंचायत अंतर्गत पिपरा कुर्ती चौकी स्थित एक होटल में बीते रात अचानक आग लग गई, जिस पर ग्रामीणों के सहयोग से काबू पा लिया गया। अन्यथा ये आग पूरे मोहल्ले में फैल कर सकती थी भारी नुकसान। वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना वन प्रमंडल 2 के वाल्मीकि नगर के सिंचाई विभाग की कॉलोनी में भालू पिछले 2 सप्ताह से व्यापक क्षेत्रों के इर्द गिर्द लगा रहा है, चक्कर ग्रामीणों में है दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक ने थाना कोतवाली शहर का आकस्मिक निरीक्षण के क्रम में थाना कार्यालय कंप्यूटर कक्ष बैरक हवालात आदि का निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बिहार के मझौलिया में सिमरा घाट स्थित सिपहना नदी के तटबंध एवं कटाव स्थल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, एसडीएम को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व मुखिया शौकत अली ने ठोकर का विस्तार करने, तटबंध की मरम्मत करने तथा टूटे पुल के निर्माण करने की लगाई गुहार। मझौलिया में पास्को एक्ट की अभिहर्ता को पुलिस ने किया बरामद, आरोपित अब भी है फरार। खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।